दोस्तों, अच्छी चीज़ मिलना मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें, उसके बारे में जान लें और अच्छे से कंपैरिजन कर लें कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं, और उस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की हेयर ट्रांसप्लांट की एक केस स्टडी है साहिल के बारे में, जिनकी उम्र है 29 साल। पिछले 8 सालों से वो हेयर फॉल का सामना कर रहे थे और अंत में आकर उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन लिया। उनकी ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस ऑलमोस्ट 3 थी। चाहते थे कि मेरे जैसा या शायद आपके जैसा उनको ट्रांसप्लांट मिले, इसलिए मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप यूजेनिक्स चले जाइए और वहाँ पर कोई सा भी पैकेज आप चूज़ कर लीजिए, आपको बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट ही मिलेगा। और मैं उनकी पूरी जर्नी आपके साथ डिटेल में दिखाने वाला हूँ। साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, ये उसका रिजल्ट है। और पहले मैं बिल्कुल बॉल्ड था, एक हेयर ट्रांसप्लांट मेरा ख़राब हुआ था और उसके बाद मैंने करेक्शन कराया था। अगर आप मेरी जर्नी देखना चाहते हैं तो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं, डिटेल में बात करते हैं साहिल के हेयर ट्रांसप्लांट की। दोस्तों, साहिल के हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की फ़ोटोज़ अगर हम देखें और उनकी बाल्डनेस को देखें तो ये ऑलमोस्ट 3rd grade की बाल्डनेस है, जिसमें ये एरिया तो पूरा जा ही चुका है जबकि हेयर लाइन यहाँ होनी चाहिए और इस एरिया में बहुत बहुत ही कम डेंसिटी है, तो इस एरिया में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है हेयर ट्रांसप्लांट को करना। और इसके अलावा एक चीज़ और है, वो ये कि जो इनके एग्जिस्टिंग हेयर हैं क्राउन में, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा थिनिंग हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विजिबल गैप्स हैं लंबे बालों में भी, यानी कि यहाँ पर थिनिंग हो रही है और डेंसिटी काफ़ी कम हो गई है हेयर फॉल की वजह से। या उनका राइट साइड का फोटो देखें तो हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि इनकी बाल्डनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, हेयर लाइन ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा रिसीड हो गई है, टेम्पल बिल्कुल जा चुके हैं। और थोड़ा सा हम लेफ्ट साइड से देखें तो यहाँ पर हमें वापस से क्राउन भी विजिबल हो जाता है, जहाँ पर कि लेस डेंसिटी हो रही है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बाल लंबे क्यों हैं इसलिए बहुत ज़्यादा वो विजिबल नहीं है। ये हमारे लेफ्ट साइड का है, यहाँ पर भी आप देखें तो इनका टेम्पल एरिया बिल्कुल जा चुका है। यहाँ अगर हम इस फोटो की बात करें लेफ्ट साइड से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर बाल्डनेस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये 3rd grade की बाल्डनेस ना होकर 3rd से भी ऊपर जा रही है, क्योंकि एरिया हमारा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि जहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। अब यहाँ इस फोटो को देखें तो साहिल के फोटोज़ में आपको देखने को मिलेगी हेयर लाइन, जो कि डिज़ाइन कर दी गई है। उनकी हेयर लाइन को बना दिया गया है, इसको काफ़ी पार्ट्स में डिफाइन किया गया है, अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग एरिया में डिफाइन कर दिया गया है और इसके अकॉर्डिंगली ही डेंसिटी दी जाती है। अगर हम ये एरिया और ये एरिया देखें तो ये दोनों टेम्पल एरिया है। इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर हमें फुल डेंसिटी दी जाएगी क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी हेयर नहीं है, और जबकि इसकी बात करें तो यहाँ पर जहाँ भी पॉसिबल होगा गैप के बीच डेंसिटी दी जाएगी और एग्जिस्टिंग हेयर को सेव किया जाएगा। बहुत सारे क्लिनिक में यह होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी देते हैं क्योंकि उनको पता है कि जब वो बाल लगाएंगे यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग हेयर हैं उनके ग्राफ्ट को डैमेज हो जाएंगी, तो ग्राफ्ट डैमेज के चांसेस ऐसे एरिया में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हेयर है और इन हेयर के बीच में हेयर को डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे में दोस्तों 8x 6x जूम का इस्तेमाल किया जाता है और जहाँ पर गैप है वहीं पर ग्राफ्ट को लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर क्लिनिक हर डॉक्टर ऐसा कर पाए। तो ऐसे में एग्जिस्टिंग हेयर का शॉक लॉस से चले जाना या फिर ग्राफ्ट डैमेज हो जाना जब नए बाल लगाए जाते हैं बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है, इसलिए आपको एक अच्छा क्लिनिक चूज़ करना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम राइट साइड का टेम्पल देखें तो ये काफ़ी बढ़िया से डिज़ाइन किया गया है। टेम्पल का जो एरिया होता है वो आपकी नोज़ के हिसाब से किया जाता है। अब यहाँ पर इनके बालों को शेव कर दिया गया है। शेव करने के बाद अगर आप देखें तो ये हमारे एग्जिस्टिंग हेयर हैं, जहाँ जिसके बारे में मैंने पहले आपसे बात की थी। जैसे यहाँ पर एरिया खाली है, यहाँ पर एरिया खाली है, तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ ग्राफ्ट को लगाया जाता है ताकि कम से कम शॉक लॉस हो और एग्जिस्टिंग जो हेयर हैं ये जो ऑलरेडी हेयर हैं ये ख़राब ना हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत सारे क्लिनिक क्या करते हैं यहाँ पर आपकी फुल डेंसिटी देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो एनीवे आपकी जो एग्जिस्टिंग हेयर ग्राफ्ट हैं या जो एग्जिस्टिंग हेयर है जो थिनिंग हो रही है वो उसको ख़राब ही कर देंगे, इधर रादर देन मेडिसिन देकर आपके इस एरिया को वापस से हील कर दें, क्योंकि ये जो थिनिंग हो रही है ये मेडिसिन से वापस से ठीक हो जाती है और यहाँ पर डेंसिटी वापस से अच्छी हो जाती है। अब ये वो एरिया जिसके बारे में मैंने बात की थी। देखिए यहाँ दो पार्ट हैं इस एरिया के जहाँ पर डेंसिटी कम है। एक हमारा ये एरिया है, यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। एक हमारा ये एरिया है जहाँ पर डेंसिटी अभी भी काफ़ी अच्छी है लेकिन थोड़ी कम है, तो इस एरिया को सिर्फ मेडिसिन से ही इम्प्रूव किया जा सकता है। और यहाँ पर अगर हेयर ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो चांसेस ये हैं कि एग्जिस्टिंग हेयर ग्राफ्ट 80% ख़राब हो जाएंगी और जो है आपका शॉक लॉस तो होगा ही होगा, तो इसलिए इस एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट को करना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन बहुत सारे क्लिनिक कर देंगे, लेकिन वो वहाँ पर इस तरह करते हैं कि
वो आपके इस एरिया को फ्रेश लेकर चलते हैं और बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट प्लांट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एग्जिस्टिंग ग्राफ्ट तो ख़राब हो ही जानी है, लेकिन आपको लगता है कि उन क्लिनिक की टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन रियलिटी में वो ये होता है कि वो आपका फ्रेश हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं इस एरिया में। ये जो एरिया होता है ये आपका सेफ एरिया होता है, इसीलिए इसको डोनर एरिया कहते हैं। सेफ एरिया इसलिए होता है क्योंकि आपने बूढ़े से बूढ़े लोगों को देखा होगा, उनके यहाँ पर बाल चाहे वो 80 साल के हो जाए 90 साल के हो जाए हमेशा रहते ही है। हालांकि डेंसिटी कुछ हद तक कम हो जाती है, लेकिन एंड तक यही बाल सर्वाइव करते हैं। तो डोनर एरिया यहाँ पर मार्क कर दिया गया है। थोड़ा सा और लेफ्ट साइड से देखें आप डोनर एरिया का, अगर हम देखें इनके डोनर एरिया में डबल ट्रिपल काफ़ी है और अच्छा इनका डोनर एरिया है। अब आपके माइंड में एक बात ज़रूर आ रही होगी कि इनकी बाल्डनेस तो थर्ड ग्रेड की है और 2,500 से 3,000 हेयर ग्राफ्ट इनके लगने हैं, लेकिन इतने बड़े एरिया को शेव क्यों किया गया है, जबकि बहुत सारे क्लिनिक तो इतने से एरिया से ही 3,000 ग्राफ्ट निकाल देते हैं। तो दोस्तों वो बहुत गलत होता है कि आप छोटे से एरिया से बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट निकाल दें, और वो बहुत ज़्यादा विजिबल होता है। जब भी आप बाल छोटे करेंगे वो बहुत ज़्यादा विजिबल होगा, लेकिन आप कम ग्राफ्ट ज़्यादा एरिया से निकालेंगे तो विजिबल होगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ से ग्राफ्ट को निकाला गया है। अब यहाँ पर इनका हेयर ट्रांसप्लांट हो गया है, और सबसे पहले जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो है इनकी हेयर लाइन बहुत अच्छी बनाई गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़िगज़ैग है भी, और पता भी नहीं चलेगा कि ये ज़िगज़ैग है। बहुत सारे क्लिनिक क्या करते हैं आपकी बिल्कुल ऐसे बनाते हैं, तो इस कोने में इन कोने में जो बाल आते हैं वो बिल्कुल अलग ही दिखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। बहुत सारे क्लिनिक आपके ऐसे टावर खड़े कर देते हैं, तो वो भी बिल्कुल इन अननेचुरल हेयर लाइन है। और बहुत सारे क्लिनिक बिल्कुल ऐसी सीधी लाइन बनाते हैं, तो बाल भले ही आपके ओरिजिनल हैं वो ऐसा लगता है कि आपने विग लगाई हुई है। तो जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हेयर ट्रांसप्लांट की क्वालिटी। अगर आप देखें कि एक भी ग्राफ्ट बाहर निकली हुई नहीं है, इसका फ़ायदा ये होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो बम्स होते हैं, जो पिंपल्स होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होते, और बिल्कुल एक ओरिजिनलिटी आती है हेयर में, और बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई बम्स विजिबल नहीं होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर आपको कहेंगे 20 रुपये में 40 रुपये में हेयर ट्रांसप्लांट है करवा लो, यहाँ तक कि 10 रुपये में भी चल रहे हैं। तो फिर अब वो कराने के बाद आपको तसल्ली होती नहीं है, आप परेशान होते हैं, ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं, या फिर आप एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से अपना करेक्शन करा दें। यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि हेयर लाइन को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया था, ये एरिया था जहाँ पर कम डेंसिटी देनी थी, क्योंकि एग्जिस्टिंग हेयर है, जो कि मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये हमारे एग्जिस्टिंग हेयर यहाँ पर है जिनको रिवाइव किया जाएगा मेडिसिन से, और जो नए हेयर है उनसे हमारी डेंसिटी इम्प्रूव हो जाएगी। और ये जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी अच्छी डेंसिटी दी गई है, और यहाँ पर भी अगर मैं दिखाऊँ आपको कि ये बाल लगा हुआ है इसको क्लिनिक ने नहीं छेड़ा, ये बाल लगे हुए इनको क्लिनिक ने नहीं छेड़ा, ये बाल लगे हुए इनको क्लिनिक ने नहीं छेड़ा, ये बाल लगे हुए इनको क्लिनिक ने नहीं छेड़ा, तो ऐसा लग रहा होगा कि डेंसिटी कम दी गई है, लेकिन यहाँ पर एग्जिस्टिंग हेयर को सेव किया गया है। इसीलिए ये वजह है कि यूजेनिक्स आपको किसी भी क्लिनिक में आप जाइए और कोटेशन लीजिए सिर्फ कि आपको कितनी ग्राफ्ट लगेंगी। अगर आपको किसी और क्लिनिक में 4,000 बताई गई हैं तो यहाँ पर 3,200 से 3,500 ही बताई जाएंगी, क्योंकि ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ग्राफ्ट यहाँ पर इस क्लिनिक में किया जाता है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आपकी ग्राफ्ट का सर्वाइवल रेट 99% होता है, कोई भी ग्राफ्ट खराब नहीं होती है, जबकि कुछ क्लिनिक का सर्वाइवल रेट जो होता है ग्राफ्ट का बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो आपको उसी हिसाब से 15-20-25% ग्राफ्ट ज़्यादा बताते हैं, ताकि इतनी ख़राब भी हो जाए तो आपकी डेंसिटी पर कोई इफेक्ट ना पड़े। लेकिन आपको लगता है कि ज़्यादा ग्राफ्ट इसलिए बता रहे हैं कि आपकी डेंसिटी अच्छी आएगी, इन रियलिटी वो आपके ग्राफ्ट के सर्वाइवल रेट के हिसाब से बताते हैं, और आपकी ग्राफ्ट को जितनी ग्राफ्ट आपकी ख़राब होंगी उसको एक्स्ट्रा बताते हैं आपको, उनको हटाकर कैलकुलेट करके बताते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको टेम्पल एरिया, और साथ साथ बात करेंगे डोनर एरिया की भी। टेम्पल एरिया बहुत ही छोटा सा था इनका, और यहाँ पर भी मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये एग्जिस्टिंग हेयर है जिनको नहीं छेड़ा गया है, और बीच में डेंसिटी के लिए हेयर ग्राफ्ट को डाल दिया गया है। अगर आप यहाँ पर देखें नेचुरल एंगल इस तरह से इस तरह आ रहा है, तो यहाँ पर भी नेचुरल एंगल इसी तरह से दिया गया है, और इसीलिए कहते हैं कि टेम्पल एरिया के जो एंगल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं बनाने, और हर क्लिनिक नहीं बना पाता है टेम्पल्स, नहीं क्रिएट कर पाता है टेम्पल्स आपके जैसे कि आपके ओरिजिनल थे। अब बात करते हैं हम डोनर एरिया की। डोनर एरिया में मैंने जैसे कि आपको बताया था, जितने बड़े एरिया से जितनी कम ग्राफ्ट निकाली जाएंगी उतना कम विजिबल आपका डोनर एरिया होगा बाल छोटे करने के बाद भी, और यही किया गया है। इसलिए आप देखें कि बहुत सारे, मतलब इतना एरिया छोड़ के फिर कुछ ग्राफ्ट निकाली गई हैं, इतना एरिया छोड़ के फिर कुछ ग्राफ्ट निकाली गई हैं, तो ऑप्टिमम यूज़ ऑफ डोनर एरिया यहाँ पर किया गया है। और ये पंच देखिए कितना छोटा पंच है, इसकी वजह से आपको यहाँ पर ड्रेसिंग भी कराने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही हाई क्वालिटी का, बहुत ही प्रिसाइज
आपका पंच यूज़ किया जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपको ना ही ज़्यादा ज़ख्म होते हैं और ग्राफ्ट के साथ एक्स्ट्रा टिश्यू भी लगकर नहीं आते, जिसकी वजह से आपके बम्स नहीं बनते हैं। आप देख सकते हैं कि क्लीनलीनेस भी कितने ज़्यादा है डोनर एरिया में, जबकि बहुत सारे क्लिनिक्स की कंडीशन ऐसी होती है कि यूँ ऐसे ऐसे ब्लड बहरा होता है। या हम लेफ़्ट टेम्पल की बात कर लेते हैं, लेफ़्ट टेम्पल थोड़ा सा ज़्यादा रिसीड हुआ था इसलिए यहाँ पर ग्राफ्ट को ज़्यादा लगाया गया है। जिस तरह से यूजेनिक्स क्लिनिक में ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट किया जाता है, एंगल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, चाहे वो टेम्पल एरिया हो, चाहे वो आपका फ्रंट एरिया हो, मिडिल एरिया हो, कोई भी एरिया हो, जिस तरह से नेचुरल हेयर के एंगल्स होते हैं उसी तरह से ट्रांसप्लांटेड हेयर के एंगल्स को दिया जाता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल का लिंक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।